रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। अपने बच्चों का भविष्य कितने में बेचेंगे आप? क्या कीमत लगाएंगे? एक बोतल शराब, एक बोरी गेहूं, रेडियो, टीवी, एक साड़ी या 2-4 हजार रुपए? सोच लीजिए, क्योंकि फिर आ रहे हैं वो कुछ उम्मीदवार आपका वोट खरीदने। याद रखिए, आज जो आपका वोट खरीदेगा वो कल आपको बेचेगा। इस बार एक बात तय कर कि जो भी उम्मीदवार हमारा वोट खरीदने की कोशिश करेगा उसे तो हम हरगिज वोट नहीं देंगे। अपने देश का सौदा, अपने बच्चों के भविष्य का सौदा हम हरगिज नहीं करते। सच्चे को चुनेंगे, अच्छे को चुनेंगे। जय हिंद। 16 वर्षीय नाबालिग से रेप कर आरोपी हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप पड़ोस के ही एक युवक पर लगा है, जिसने घर में अकेली युवती को अपनी हवस का शिकार बना लिया और वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली पहुंचकर मुकदमा पंजीकृत कराया है। वहीं पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म का पूरा मामला सदर कोतवाली संभल क्षेत्र का है, जहां पर एक मोहल्ले की नाबालिग किशोरी का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और आरोपी ने वारदात को अंजाम उस वक्त दिया जब घर पर नाबालिग बच्ची अकेली थी। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने युवती के हाथों पर धारदार ब्लेड से वार कर लहूलुहान कर दिया। यही नहीं, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी फरार हो गया। जब परिजन घर पर पहुंचे तो डरी सहमी पीड़िता ने आप बीती बताई, जिसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी आसिम के खिलाफ नामजद तहरीर दी। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट। ये थाना कोतवाली संभल पर एक नाबालिग युवती, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है, के साथ उसी के ही एक पड़ोसी सजाती युवक द्वारा घर में घुसकर बलात्कार किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना के आधार पर थाना कोतवाली संभल पर अपराध संख्या 142/2021 अंतर्गत धारा 376, 452, 324, 506 व 120 IPC व 7/8 पॉस्को एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें नामित अभियुक्त हाशिम सौरभ बदरुल, जो कि मियाँ सराय संभल का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु रवाना किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र गिरफ्तार कर आवश्यक कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।